ये लड़का 2 सालों तक अपने घर के बाहर टायर्स को इकट्ठा करता रहा, जिसे देखकर उसके आसपास के लोग उस पर हंस रहे थे। लेकिन 2 सालों बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वही पड़ोसी लोग उस लड़के के घर नौकरी मांगने आए। बेंजामिन नाम का ये लड़का अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था, वहीं जो आसपास के लोग उसे ताने दे रहे थे वो अलग थे। उसने ऐसे ही अपने घर के बाहर टायर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और एक साथ इतने टायर्स किसी के भी घर के बाहर पड़े हों तो उस घर का नजारा कुछ खास अच्छा नहीं होगा। लेकिन जल्दी ही वो इन टायर्स के साथ कुछ करने वाला था, और हर रोज उन टायर्स को उठा उठा कर मार्केट में जाता और उन्हें बेचने की कोशिश करता। लेकिन वो टायर्स पहले ही कबाड़ के थे, तो इसी वजह से उन्हें कोई नहीं खरीदना चाहता था, और वो हर रोज ऐसे ही निराश होकर घर वापस लौटा था। घर पर आने से पहले उसे ये टेंशन रहती कि उसके पड़ोसी उसे फिर से जलील करेंगे, लेकिन वो हमेशा यही सोचकर घर आता कि एक दिन वो इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। और यकीन मानिए, उनको जवाब देने में उसे पूरे 2 सालों का समय लगा, और जो परिणाम निकल कर सामने आए उसके लिए तो बेंजामिन के पड़ोसी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। इस लड़के का पूरा नाम बेंजामिन स्मिथ था, और वो एक छोटे से शहर में रहते हुए लकड़ियों के फर्नीचर बनाने यानी कि कारपेंटर का काम करता था। उसने बहुत पहले ही इस काम में अपना हाथ साफ कर लिया था, और साथ ही लोग उसे जानने भी लगे थे। लेकिन किस्मत ने इस लड़के की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। शुरुआत में उसकी जिंदगी बहुत अनस्टेबल थी। वो जो भी अपने काम में कमाता सारा का सारा किराए और बिल्स भरने में ही चला जाता। उसने सोचा कि वो ऐसा कब तक करता रहेगा, और एक दिन शाम के समय अपने घर जाते हुए उसने पास ही पड़े खराब टायर्स को देखा, जिन्हें वहाँ कोई छोड़कर चला गया था। उस दिन तो वो सिर्फ इन टायर्स को देखकर ही चला गया। और फिर उसी हफ्ते के अंतिम दिन रविवार को सुबह सुबह पार्क में घूमते हुए उसे फिर से वही टायर सड़क पर पड़े हुए दिखाई दिए, और यही वो टायर्स थे जो उसकी जिंदगी अब बदलने वाले थे। उसने अपनी वॉक पूरी करने के बाद उन टायर्स को एक एक कर उठाया और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे ऐसा काम करता देख आसपास खड़े लोग बहुत अजीब रूप से देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कर रहा है। बेंजामिन ने सभी की नजरों को अनदेखा करते हुए अपने काम की ओर ध्यान दिया और सभी टायर्स अपने घर ले आया। जो लोग उसे उस दिन देख रहे होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा कि यही लड़का एक दिन इनके बीच चर्चा का विषय बन जाएगा। आने वाले कुछ दिनों तक बेंजामिन ने फिर से अपने शहर में इधर उधर घूमकर बहुत सारे टायर्स अपने घर के बाहर जमा कर लिए, और फिर से लोग उसे रोक रोक कर पूछ रहे थे कि वो इन टायर से करने क्या वाला है। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि कोई क्यों इन पुराने टायर्स में अपने हाथ गंदे करेगा। बेंजामिन ने किसी को कुछ नहीं कहा, और वो चुपचाप टायर्स को उठाता गया, जिसके बाद दिन हफ्तों में बदले और बेंजामिन का घर कुछ इस तरह से टायर्स द्वारा भर चुका था। उसका घर पहले ही छोटा सा था और अब तो बिल्कुल ही छोटा सा लगने लगा था, लेकिन बेंजामिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद बेंजामिन को पता लगा कि जहां और लोग उसे देखकर सिर्फ हैरान थे, वहीं एक आदमी था जो बहुत ज्यादा परेशान भी था। जी हाँ, वो था बेंजामिन का पड़ोसी एंथनी। और वो जब भी बेंजामिन के घर के बाहर पड़े टायर्स को इस तरह से देखता तो वो उसे जरूर टोकता और ताने सुनाकर चला जाता। सबसे पहले बेंजामिन को उसी ने महसूस करवाया कि उसका घर बहुत छोटा सा है और टायर्स के बीच दब चुका है। ये बातें सुनकर बेंजामिन को बहुत शर्म महसूस हुई, लेकिन वो वहाँ कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, अब जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला था। बेंजामिन का परिवार दूर एक गांव में रहता था, और उनके पास भी कोई ज्यादा पैसा नहीं था जिसे वो बेंजामिन को देकर उसे कोई काम शुरू करवा सके। इसलिए जैसे जैसे लोग उसे इन टायर्स के बारे में ताने देते गए, उन तानों से ही बेंजामिन को अब आइडियाज आने लगे, और सभी को गलत ठहराने के लिए उसने अपना काम शुरू किया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेंजामिन पहले एक कारपेंटर का काम करता था, और अभी उसके पास काफी फ्री टाइम भी मौजूद था, तो उसने अपने खुद के फर्नीचर्स को डिजाइन करना शुरू कर दिया। और एक शाम उसने उन टायर्स को लेकर उसमें फेरबदल करी। अपने प्लान के मुताबिक उसने कई टायर्स को अलग अलग रंग डाला और कई पर अजीब अजीब पेंटिंग्स भी कर डाली। लेकिन अभी दिक्कत ये थी कि बेंजामिन के पास सिर्फ वीकेंड ही अपना ये काम करने के लिए होता था, जबकि वो पूरा हफ्ता अपने कारपेंटर की नौकरी करता था और फिर अपना ये काम शुरू कर देता। अब सबसे पहले उसने इन टायर्स की मदद से एक कमाल का स्टूल बनाया, और यकीन मानिए वो स्टूल बहुत मजबूत और आरामदायक था, जिसके बाद तो बेंजामिन ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। उसने एक के बाद एक इन टायर्स के स्टूल, कुर्सियां, टेबल्स और यहाँ तक कि बेंचेस तक बना डाले, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी उसका ये प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आया। और अपने इन प्रोडक्ट्स को सिर्फ 1 साल तक बेचने के बाद ही उसकी कमाई 4 गुना तक हो चुकी थी। वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट था, और अब उसे लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में सफल हो चुका है। जहां उसे भी अपनी सक्सेस का ध्यान था, वहीं एक और आदमी भी था जो उसके इस काम पर पूरी नजर बनाए हुए था, और अंदर ही अंदर वो बेंजामिन को देखकर बहुत जल भी रहा था। और अब अपने इसी काम में उसका 1 साल और बीत गया,
और अब तक उसका काम और बढ़ चुका था और पूरे देश में उसके बनाए हुए फर्नीचर चल रहे थे, जिसके बाद उसके पास बहुत मोटा पैसा आने लगा था। अब तक उसने कस्टम ऑर्डर्स भी लेने शुरू कर दिए थे, जिसमें वो लोगों के मनचाहे डिजाइन उन्हें तैयार करके देता। अपनी कमाई से उसने एक अच्छा खासा बड़ा घर भी वहीं बनवा डाला और अब उसके काम का टर्नओवर करोड़ों में हो चुका था। एक वीकेंड पर अपने घर पर आराम करते हुए सुबह सुबह उसके गेट पर खटखटाहट हुई और उठकर वो दरवाजे पर गया और जैसे ही उसने गेट खोला तो वो भी हैरान रह गया सामने खड़े व्यक्ति को देखकर। जी हाँ, आप भी समझ ही गए होंगे कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि एंथनी खुद खड़ा था। जी हाँ, वही एंथनी जिसने 2 सालों पहले बेंजामिन को ताने सुना सुना कर शर्मसार किया था। इसे देखकर बेंजामिन भी चौंक गया और सोचने लगा कि अब ये यहाँ क्यों आया है और इसे मुझसे क्या काम है। और जब उसके आने का कारण बेंजामिन को पता चला तो वो भी दंग रह गया। जी हाँ, एंथनी ने आते ही बेंजामिन से कहा कि उसे नौकरी चाहिए और ये कहकर उसने अपना सर झुका लिया। तभी बेंजामिन के दिमाग में 2 साल पहले वाली बातें घूमने लगी, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने बेंजामिन को ताने मार मार कर शर्मसार किया था। एंथनी ने वो लाइन बोलकर कहा कि वो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद करेगा और अब यहाँ बेंजामिन के पास मौका था अपनी 2 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला लेने का और उसने सीधा एंथनी से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये काम दूंगा। तभी एंथनी बेंजामिन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और नौकरी पर रखने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। हाल ही में एंथनी की नौकरी जा चुकी थी और ये वही नौकरी थी जिसकी वजह से वो बेंजामिन को ताने दिया करता था। अब बेंजामिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके पास एक ऑप्शन ये था कि वो अभी एंथनी के मुंह पर दरवाजा बंद करके वापस जाकर सो जाए, लेकिन वहीं उसके दिमाग में ये भी था कि उसे एंथनी की मदद करनी चाहिए। एंथनी का मुंह देखकर वैसे तो बेंजामिन पिघल रहा था, लेकिन इसके बाद जो बेंजामिन ने किया वो 2 सालों पहले हुई बेइज्जती का सही बदला था। बेंजामिन ने सीधा एंथनी को ना बोला और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लग गया। इससे ये पक्का था कि बेंजामिन अपनी बेइज्जती को भूला नहीं था। चलिए चलते चलते अब मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बता देता हूँ। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन कभी भी प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और जब प्रकृति अपना गुस्सा लोगों पर दिखाती है तब परिणाम बहुत भयंकर निकल कर सामने आते हैं, जैसे कि बाढ़। आपने बाढ़ का भयंकर रूप इंटरनेट पर पड़ी वीडियोस में जरूर देखा होगा और अमेरिका का टेक्सास एक ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ आना बहुत आम बात है और इसी वजह से वहां के लोग बाढ़ के अब इतने आदी हो चुके हैं कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जरा रैंडी वॉगनर नाम के इस व्यक्ति से मिलिए, जिसे बाढ़ आने की सबसे ज्यादा चिंता रहती थी। जी हाँ, इतनी चिंता कि उसने अपनी जायदाद को बचाने के लिए अपनी रातों की नींद भी हराम कर डाली। उसे डर था कि बाढ़ कभी भी आ सकती है और उसके मकान के अंदर पानी भरकर उसके मकान को भी बहाकर ले जा सकती है। उसने इस चिंता को लेकर आस पड़ोस के लोगों से भी बहुत बातें की, लेकिन किसी ने भी उसकी चिंता पर कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले उसने इस बात का अंदाजा लगाया कि अगर यहाँ बाढ़ आई तो उसको क्या क्या नुकसान होगा। उसने अच्छे से कैलकुलेशन की और अब कमाल के आइडिया के साथ सामने आया। उसने अपने घर के चारों ओर एक डैम बनाने का सोचा। एक दिन उसने प्लास्टिक ट्यूब से बना हुआ डैम इंटरनेट पर देखा और तुरंत उसे खरीदने का सोचा। उसने तुरंत 200 मीटर की ट्यूब ऑर्डर कर डाली, जिसके लिए उसने $83 चुकाए। अब जब वो इस डैम को अपने घर के चारों ओर लगा रहा था तभी उसके आस पड़ोस के लोग उसे पागल बोल रहे थे। वो उस पर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने एक फालतू की चीज पर इतना पैसा लगाया है। लेकिन फिर आया कयामत का दिन, जिस दिन पूरे इलाके में बाढ़ ने अपना कहर ढाया। पूरा इलाका पानी पानी हो चुका था, सिर्फ रैंडी के घर को छोड़कर सभी के घर टूट फूट चुके थे। लेकिन रैंडी का घर पूरी तरह से बाढ़ के पानी से सुरक्षित था, इसलिए रैंडी आराम से अपने घर के बाहर बैठकर अपना नाश्ता पानी ले रहा था। वहीं उसके आस पड़ोस के लोग अपने घर का बचा कुचा सामान उठाकर किसी सुरक्षित सरकारी जगह पर जाने की तैयारी में थे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अभिषेक किंग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि पड़ोसी आपको ताने देते हो, तो उसके बारे में भी जरूर जिक्र करें या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर बताएं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगा और शायद हो सकता है कि मैं आपकी भी कहानी इस चैनल पर डालूं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।